हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अभिषेक जोशी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इन बिरला ग्रुप ऑफ कंपनीज़। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा ट्रांसफार्मर लॉसेस के बारे में। आज हम लोग देखेंगे कि ट्रांसफार्मर में कौन कौन से मेन लॉसेस होते हैं, इन लॉसेस का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, और इन लॉसेस को रिड्यूस करने के लिए टेक्निकली आप कौन कौन से मेथड्स यूज़ कर सकते हैं। इन सभी टॉपिक्स पर आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। देखिए, ट्रांसफार्मर में मेनली दो टाइप के लॉसेस होते हैं, जिसे कहा जाता है कोर लॉस और एक होता है कॉपर लॉस। अब दोस्तों, जो कोर लॉस है, ये कोर लॉस दो पार्ट में डिवाइडेड किया गया है, जिसे हिस्टेरेसिस लॉस और एडी करंट लॉस भी कहा जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हिस्टेरेसिस लॉस क्या होता है, इसका एक्चुअल में मतलब क्या होता है। देखिए, ट्रांसफार्मर में हम जो वोल्टेज अप्लाई करते हैं, वो एसी वोल्टेज अप्लाई करते हैं, जिसके वजह से ट्रांसफार्मर में जो करंट फ्लो होता है, ये भी अल्टरनेटिंग करंट फ्लो होता है। अब जब अल्टरनेटिंग करंट अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड भी अल्टरनेटिंग होगी इन नेचर, क्योंकि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये अल्टरनेटिंग करंट से प्रोड्यूस हुई है, इसलिए ये मैग्नेटिक फील्ड का जो नेचर होगा, वो भी अल्टरनेटिंग होगा। तो इस वजह से क्या होता है दोस्तों, ट्रांसफार्मर का जो कोर है, ये कोर में जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये आफ्टर एवरी हाफ साइकिल अपना डायरेक्शन चेंज करती है। फर्स्ट हाफ साइकिल में अगर मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज है, तो अगले हाफ साइकिल में ये एंटी क्लॉकवाइज होगी, फिर क्लॉकवाइज होगी, फिर एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो इसके वजह से ट्रांसफार्मर कोर के जो डायपोल्स होते हैं, ये भी अपना ओरिएंटेशन आफ्टर एवरी हाफ साइकिल चेंज करते हैं। और जब ओरिएंटेशन बार बार चेंज होता है, तो ये डायपोल्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं, आपस में कोलाइड करते हैं, और इस कोलिजन के वजह से जो एनर्जी लॉस होती है, इसे हिस्टेरेसिस लॉस कहा जाता है। तो ये दोस्तों आप क्लियर रखिएगा कि हिस्टेरेसिस लॉस क्या होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि हिस्टेरेसिस लॉस को रिड्यूस करने के लिए एक मैन्युफैक्चरर कौन से मेथड्स को यूज़ करता है। देखिए, ट्रांसफार्मर में जो हिस्टेरेसिस लॉस होते हैं, इसको रिड्यूस करने के लिए ये ज़रूरी है कि आपके कोर का जो मटेरियल है, ये हाई परमेबिलिटी मटेरियल से आपका कोर बना हुआ होना चाहिए। इसलिए हम लोग ट्रांसफार्मर का कोर CRGO मटेरियल से बनाना प्रिफर करते हैं। CRGO मटेरियल होता है कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील, और ये जो स्टील का टाइप है, ये सिलिकॉन स्टील यहाँ पर यूज़ किया जाता है, जिससे इसकी परमेबिलिटी और बढ़ जाती है। आपके कोर का जो मटेरियल है, इसमें परमेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी, उतना ही हिस्टेरेसिस लॉस कम होगा। आइडियली ये लॉस ज़ीरो कभी नहीं होता, थोड़ा बहुत हिस्टेरेसिस लॉस ट्रांसफार्मर में हमेशा होता है, पर आप हाई परमेबिलिटी मटेरियल को यूज़ करके इस लॉसेस का जो मैग्नीट्यूड है, उसे कम ज़रूर कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बात आती है एडी करंट लॉस की। तो इसमें सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एडी करंट किसे कहा जाता है। देखिए, ट्रांसफार्मर में जब हम लोग वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तो अल्टरनेटिंग करंट ट्रांसफार्मर में फ्लो होता है। इस करंट के वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, और उसके बाद फैराडेस लॉ के हिसाब से ट्रांसफार्मर में EMF इंड्यूस होता है। अब ये EMF इंड्यूस होने के वजह से दोस्तों, जो करंट आपके ट्रांसफार्मर में अब प्रोड्यूस होगा, आइडियली जो करंट है, ये कॉपर वाइंडिंग में से फ्लो होना चाहिए, ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग में से फ्लो होना चाहिए, पर सम पार्ट ऑफ करंट आपके कोर के थ्रू सर्कुलेट होने लगता है। जैसे एक सर्कल होता है, वैसे सर्कुलर फॉर्म में ये जो करंट है, ये वाइंडिंग में से फ्लो नहीं होता, सर्कुलर मोशन में कोर के थ्रू फ्लो होने लगता है, और इस लीकेज करंट को ही एडी करंट कहा जाता है। अब दोस्तों, ये एडी करंट के वजह से ट्रांसफार्मर में जो लॉसेस होंगे, इस लॉसेस को फिर एडी करंट लॉस की कैटेगरी में डाला जाएगा। एडी करंट लॉस को दोस्तों रिड्यूस करने के लिए, जो आपकी जो ट्रांसफार्मर का जो कोर होता है, इसमें सिलिकॉन स्टील का लेमिनेशन प्रोवाइड किया जाता है। इस लेमिनेशन की जो थिकनेस होती है, ये 0.35 mm होती है फॉर 50 Hz फ्रीक्वेंसी। अगर हम US लेवल पे बात करें, जहाँ 60 Hz फ्रीक्वेंसी का जो कॉन्सेप्ट है, वहाँ पे फिर 0.5 mm का थिकनेस हम लोग यूज़ करेंगे सिलिकॉन स्टील का। पर इंडिया में जो 50 Hz फ्रीक्वेंसी यूज़ की जाती है, वहाँ पे 0.35 mm का सिलिकॉन स्टील का लेमिनेशन किया जाता है, जिसके वजह से आप एडी करंट का जो मैग्नीट्यूड है, उसे रिड्यूस कर सकते हैं, इस लॉसेस को आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो हिस्टेरेसिस लॉस है और जो एडी करंट लॉस है, ये दोनों ही लॉसेस कोर में होते हैं, ये वाइंडिंग में ये लॉसेस नहीं होते, इसलिए इन लॉसेस को कोर लॉस कहा जाता है। इसमें आपको एक बात और पता होनी चाहिए कि जो कोर लॉस है, ये वोल्टेज डिपेंडेंट है। आपका जो ट्रांसफार्मर है, ये 20% लोड पे ऑपरेट हो या 80% लोड पे ऑपरेट हो,
कोर लॉस और ट्रांसफार्मर लोड का आपस में कोई रिलेशन नहीं होता, इसलिए कोर लॉस को कांस्टेंट लॉस भी कहा जाता है, क्योंकि आपका ट्रांसफार्मर कितने परसेंट लोड पे ऑपरेट हो रहा है इससे आपके कोर लॉस में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। कोर लॉस वोल्टेज डिपेंडेंट होता है, जो इनपुट वोल्टेज आप अप्लाई कर रहे हैं ट्रांसफार्मर में उस पे डिपेंड होता है, तो इसलिए कोर लॉस को कांस्टेंट लॉस भी कहा जाता है। ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन है, इसलिए इसे आप याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों बात आती है कॉपर लॉस की। तो देखिए, कॉपर लॉस रिलेटिवली सिंपल है। किसी भी कंडक्टर में या किसी भी मटेरियल में एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। जैसे कॉपर एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ये हम सब जानते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि कॉपर के अंदर उसका खुद का एक इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होगा। हर मटेरियल में एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। तो जब भी कॉपर वाइंडिंग में से करंट फ्लो होता है, तो ये कॉपर वाइंडिंग का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस के वजह से जो लॉसेस होते हैं उसको कॉपर लॉस कहा जाता है। अब दोस्तों, ये जो कॉपर लॉस है ये करंट डिपेंडेंट है। जैसे कोर लॉस हमने देखा था वोल्टेज डिपेंडेंट होता है, वैसे ही जो कॉपर लॉस है ये करंट डिपेंडेंट होता है। आपके ट्रांसफार्मर की लोडिंग जितनी ज़्यादा होगी, उतना ही ट्रांसफार्मर में करंट फ्लो ज़्यादा होगा, और ट्रांसफार्मर जितना ज़्यादा करंट ड्रॉ करेगा, आपका कॉपर लॉस का मैग्नीट्यूड भी उतना ज़्यादा होगा। अगर ट्रांसफार्मर 20% पे ऑपरेट हो रहा है तो करंट कम है, करंट कम है तो कॉपर लॉस भी कम है। अगर ट्रांसफार्मर 80% पे लोडिंग है, अगर ट्रांसफार्मर 80% अपने कैपेसिटी पर वर्क कर रहा है, तो उसके वजह से जो करंट वो ड्रॉ करेगा वो भी मैग्नीट्यूड में ज़्यादा होगा। करंट का फ्लो ज़्यादा है तो कॉपर लॉस का मैग्नीट्यूड भी ज़्यादा होगा। तो इसीलिए दोस्तों, ट्रांसफार्मर के जो ओवरऑल लॉसेस होते हैं ये डिपेंड करते हैं वी और ए पे, यानी कि वोल्टेज और करंट पे। ये वन ऑफ द रीज़न है कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए में क्यों होती है, क्योंकि ट्रांसफार्मर के जो ओवरऑल लॉसेस है, जो ओवरऑल पावर लॉसेस है, ये वी और ए दोनों पे डिपेंडेंट है। जब आप एसआई सिस्टम में बात करेंगे तो इस वीए को आप केवीए बोलेंगे, और हाई रेंज में आप जाएंगे तो आप इसी को एमवीए बोलेंगे। तो आप केवीए बोले या एमवीए बोले, ट्रांसफार्मर की रेटिंग इसीलिए केवीए या एमवीए में डिफाइन की गई है, क्योंकि इसके जो ओवरऑल पावर लॉसेस है ये वोल्टेज और करंट पे डिपेंड करते हैं। और भी कुछ रीज़न्स है कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए में क्यों होती है, पर ये उसका काफ़ी जो रीज़न्स है उसमें से एक रीज़न ये भी है। तो दोस्तों, ट्रांसफार्मर लॉसेस से डिपेंडेंट या इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपसे मिलता हूँ अगले हफ्ते ऐसी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।